क्या लगता है शादी होगी तो क्या चाहते हो, ससुराल करीब हो या दूर हो? करीब ही है। इसमें तुम्हें खुशी होती है या बड़े अफसोस होता है? कुछ नहीं कह सकते अभी के मेरे सामने। नहीं के जज्बात यहाँ तो खोल लो अपने जज्बात को। नहीं खुश है। मैंने थोड़ी बोला कि खुश नहीं हो। वालेकुम सलाम। क्या नाम? हसन सेब। हसन सेब मंगने हुई नहीं? जी। कितने साल हो? 2 साल। 2 साल से मंगनी शादी होती नहीं की? नहीं अभी पढ़ रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या लगता है शादी होगी तो क्या चाहते हो, ससुराल करीब हो या दूर हो? करीब ही है। इसमें तुम्हें खुशी होती है या बड़े अफसोस होता है? कुछ नहीं कह सकते अभी के मेरे सामने। घर वाले देखेंगे तो फिर। के में नहीं देखेंगे, बता दो। नील के जज्बात यहाँ तो खोल लो अपने जज्बात को। नहीं खुश है। मैंने थोड़ी बोला कि खुश नहीं हो। ये अंदर की आवाज निकली खुद ही से कि खुश है। करीब होना चाहिए या दूर होना चाहिए? ससुराल दूर होना चाहिए। फिर मतलब वो जो सर वो फिर घर में आना थोड़ा कम हो जाता है ना, तो यही फायदा है। फिर अगर नज़दीक हो तो फिर दिन में 2-3 बार वहाँ पर जाते हैं, तो जब दूर होता है फिर महीने में 2 महीने में एक बार जाते। बताओ पहले ये लड़कियाँ सोचती कि ससुराल दूर हो बिला वजह आएंगे, खिदमत करनी पड़ेगी सास की, ये आजकल लड़के क्यों सोचते हैं कि दूर हो? तो यही है ना। नहीं तो आपको क्या वो तो खाना पकाना बेटी बनाएगी उनकी जब सास आएगी। नहीं लेकिन फिर वो बेटी जो होती है वो फिर ज्यादा जाती है, शिकायतें लगाती है। इसलिए ये चक्कर तो नहीं कि महंगाई का बहुत हो रहा है, बार बार आएंगे तो बरसात में खाते तवाजे। हाँ आजकल तो हो सकते हैं, आजकल ये वजह है। कजन में हुई? जी कजन। मतलब वैसे भी करीब और वैसे भी करीब। जी दोनों साइड से करीब है। जिन्होंने कहा कि वैसे दूर होना चाहिए लेकिन अब इनके बेचारे क्या करें, इनकी मजबूरी है कि ससुराल इनका करीब ही है, अब तो निभाना पड़े। बिल्कुल अभी मतलब बंदा तो इससे दूर जा ही नहीं सकते, तो ये निभाने का एक ही तरीका है बस, बंदे ने भाई खुशी से। अल्लाह भी इनकी जो होने वाली शादी से कामयाब। मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ आप देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता? अंधेरा। नहीं अंधेरा तो कोई भी देख सकता, अगर मैं भी आंख बंद करूँ वो लाइट ऑफ हो जाता। ना इस तरह भी है ख्वाब। देखिए जी उन्होंने जवाब दिया लेकिन ये इनका अपना जवाब नहीं, इनके दोस्त जवाब दिया इनका है, जो 2 दफ़ा मुफ्त में मिलती है और 3 दफ़ा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ठीक ठाक खर्च करने पड़ते हैं और टाइम भी खर्च करना पड़ता है, इससे ज़्यादा और क्या बात। मुझे तो बड़ा ये निचला वाला सवाल लगा, वो जो हम जाते होटलों पर जाते हम 1 दफ़ा खा लेते, 2 दफ़ा हमें गरीबी मिलती, 3 बार में हमें खरीदना पड़ता है। मुझे तो वो वाली लगी है क्योंकि 3 बार फिर हमें वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई आप दोबारा सिंगल ले लो, सिंगल प्लेट, और पैसे भी देने पड़ते हैं और वक्त भी ज़ाया होता है। ये कहाँ पे होता है, यहाँ इस्लामाबाद में होता है या केपीके में भी ये होता है? इधर ढाबा है, इधर ये I-8 के साथ ही है, उधर हम जाते हैं। केपीके में भी तो दो दफा ही देते हैं ग्रेवी? नहीं केपीके में जो हमारे डीआई खान के साइड पर है वहाँ पर तो बस आप कह दो कि 150 का फुल प्लेट मिलेगा, बस खाओ जब तक आप फुल ना हो खाते रहो।